नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। देखिए, रेवाड़ी में आज दोपहर एक बड़ा हंगामा हो गया, हंगामा नहीं आंदोलन कह सकते हैं इसमें। आशा वर्कर ने धरना दिया है। रेवाड़ी शहर में सोमवार को आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए करीब 400 आशा वर्कर्स शहर के अग्रसेन चौक स्थित पार्क से जिला सचिवालय तक पहुंची। यहां पर सचिवालय के सामने ही सड़क के बीचों बीच बैठकर 3.5 घंटे तक धरना दिया। उसके बाद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। देखिए, सोमवार सुबह 11 बजे पूरे जिले से आशा वर्कर्स शहर के अग्रसेन चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में पहुंचना शुरू हो गई थी। करीब 12:30 बजे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंची। यहां पर आशा वर्कर्स के प्रोटेस्ट को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, आशा वर्कर्स के प्रदर्शन की अगुवाई कर रही जिला अध्यक्ष सुनीता टांकड़े ने कहा कि वे अनेकों बार विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सरकार को दे चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 2 बार वार्ता के लिए समय दिया, लेकिन दोनों बार ही वार्ता नहीं हो सकी। इससे आशा वर्कर्स में रोष है। 2018 के बाद महंगाई तो बढ़ी, लेकिन उनका जो पेमेंट है, जो उनकी सैलरी, वो नहीं बढ़ी है। उनका कहना है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह कर देना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका वेतन 26,000 रुपये कर देना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरें यहीं तक। फिर मिलेंगे हम इस समय। देखते रहिए, हमारे चैनल को देखना ना भूलें। धन्यवाद।